अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब का अगला केस अनीला और अदील की खुशियों से होता है, जहां दोनों की मोहब्बत और एक दूसरे के लिए एहसासात नुमाया है। अदील अनीला का बहुत ख्याल रखता है और अनीला भी हर बात में इसका साथ देती है। एक दिन अनीला की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है, जिस पर अदील शदीद परेशान हो जाता है। उसे हस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर से मालूम होता है कि अनीला की सेहत ठीक नहीं है और इसकी पूरी एक्सरन करनी होगी। अदील इस सूरत हाल में सख्त परेशान होता है। इसके चेहरे से ये बात जाहिर होती है कि वो अनीला से कितने मोहब्बत करता है और उसे कोना नहीं चाहता। व्यूअर्स, जब अनिल के वालिद को पता चलता है तो वो भी शदीद नाराज़ होते हैं। वो अदील से पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ। उनकी नाराज़गी और परेशानी से ये जाहिर होता है कि वो अपने बेटी को लेकर कितने फिक्रमंद है। इस सीन में एक जज्बाती मंजर देखने को मिलता है, जहां बाप की मोहब्बत और परेशानी नुमाया होती है। कुछ दिनों बाद अनिला की तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक एक्सरन कामयाब रही और अनीला को जल्द ही घर ले जाने की इजाज़त मिल जाती है। अदील इसके साथ हर लम्हा रहता है और इसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता। आहिस्ता आहिस्ता अनीला मुकम्मल सेहतयाब हो जाती है और दोनों फिर से अपनी ज़िंदगी को खुशियों के साथ गुजारना शुरू कर देते हैं। व्यूअर्स, एपिसोड की अख्ताम एक खुशगवार लम्हे पर होता है, जहां अनीला और अदील अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात को बुलाकर एक दूसरे के साथ खुश रहने का अहद करते हैं। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।